आज से 25 साल पहले सर जब सूरत आए थे तो इनके पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन आज खुद के दम पे करोड़ों का कंपनी खड़ा किए। नौकरी में आप बंधे हुए हैं, आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं जी। बिजनेस आप अपना खुद का कर रहे हैं, आपके अंडर चंद लोग काम करेंगे। हमारे यहाँ 400-500 लोग काम करते हैं। 400-500 लोग आपके अंतर्गत जुड़े हुए हैं जो बिहार, यूपी, झारखंड जैसे अनेकों राज्यों से। लेकिन सूरत में आखिरकार इतना सस्ता कपड़ा क्यों मिलता है? सूरत आज से नहीं, काफी सालों से टेक्सटाइल हब के नाम से माना जाता है। पूरे भारत में जितना कपड़ा जाता है, मैं मानता हूँ कि 80% लगभग सूरत ही सप्लाई करता है। करेंगे कि भारत में कौन से बिजनेस किए जाएं तो टॉप 5 में कपड़ों के बिजनेस का नाम आता है। कपड़े का बिजनेस खासकर, उसमें लाखों रुपए की एक साथ में जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ जलान मेगा मार्ट में तो मात्र मैं समझता हूँ कि 10,000 रुपए से भी हम अलाउड करते हैं खरीदी। कपड़े के व्यापार की एक खूबी है कि इसमें आपको ज्यादा समय नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ कि अगर 6 महीना भी आपने इसमें ढंग से पेशेंस रखा जी, तो उसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी हमारे साथ जलान मेगा मार्ट के ओनर बिपिन जलान सर है, और इनसे हम जानेंगे कि आजकल अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ध्यान जो है लोगों का कपड़ों के बिजनेस की तरफ जाता है। लेकिन लोगों के मन में बहुत सारा सवाल चलता है कि आखिरकार अगर हम कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सक्सेस होगा कि नहीं होगा, इन सारे चीजों को लेकर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर कपड़ों का मैन्युफैक्चरिंग भी होता है और इनके अंदर 500 लगभग लोग काम करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सुना है आपके बारे में सर कि आपके पापा और उसके बाद दादाजी, मतलब पूरे परिवार पहले से ही बिजनेस में ही है। जी हाँ, काफी समय से कर रहे हैं। अच्छा, काफी समय से, मतलब कब से ये आप देखते आ रहे हैं? मैं तो, मेरा तो जन्म 1980 का है, लेकिन ये बिजनेस की शुरुआत तो और पहले की है, पुरानी है। लेकिन 1987 में मैं सूरत आया था। हाँ। और तब से कपड़ों का बिजनेस पिताजी ने, 1987 में आप सूरत आए और उस समय से लगातार कपड़ों के ही बिजनेस में लगे हुए हैं। ये बताइए, जब आप सूरत आए तो आपके पास क्या क्या चीज़ें था और उस समय से अभी तक कितना ग्रोथ हुआ? उस समय से अभी तक तो आप ये बोलेंगे कि 0% से और अभी तक ऊपर उठे हैं। हाँ। क्योंकि सूरत आए थे तब हमने ट्रेडिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं चालू की थी। अच्छा। पहले पिताजी आड़त का काम करते थे जी। यहाँ से माल दूसरे व्यापारियों को भेजते थे। हाँ। और उसका जो कमीशन मिलता था उससे काम होता था। अच्छा। और उसके बाद धीरे 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 करके 2000 में हमने शालिनी फैशन के नाम से ट्रेडिंग की दुकान चालू की जी, जिससे हमने कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग चालू किया। हाँ। और हर प्रकार का जो साड़ी का सेक्शन था वो हमने बहुत स्ट्रांग किया, डेवलप किया। हाँ। और आज 25 साल होने आ गए हैं, उसके बाद से हमारा ग्रोथ ही ग्रोथ हुआ है। अच्छा, 25 साल में, मतलब बहुत सारे लोग बिजनेस में जब जाते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो महीने साल भर में लगता है कि पैसा नहीं आया तो इसको बंद कर देना चाहिए, मन में बहुत सारा निगेटिविटी चलने लगता है। लेकिन आपके अंदर पेशेंस था, धैर्य रखे, और यही कारण है कि आज इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग। जी बिल्कुल, कोई भी काम आप करेंगे तो देखिए, बिजनेस का दूसरा नाम तो रिस्क है ही है जी। तो कभी भी आप बिजनेस करेंगे तो आपको रिस्क के साथ थोड़ी हिम्मत तो रखनी ही पड़ेगी जी। और हिम्मत करके और आपके मन में सच्चाई होगी और आप अपने प्रिंसिपल्स पे सही तरीके से चलते रहेंगे तो अंत में सफलता आपको जरूर मिलेगी। मतलब हमेशा कोई भी काम में अगर लग रहे हैं तो कंटिन्यू लगना पड़ेगा। आजकल देखा जाता है गाँव में अधिकतर लोगों का सोच जो है वो सरकारी नौकरी की तरफ होता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर मेरा सरकारी नौकरी हो गया, महीने का 30-40 हज़ार हमेशा कमाने लगे तो एक सक्सेसफुल व्यक्ति हो गए। आप दोनों में डिफरेंस कितना देखते हैं, बिजनेस और सरकारी नौकरी? ये बहुत डिफरेंस है। देखिए, सरकारी नौकरी अपनी जगह है। हाँ। और अपना बिजनेस अपनी जगह है। हाँ। नौकरी में आप बंधे हुए हैं, आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं जी। बिजनेस आप अपना खुद का कर रहे हैं, आपके अंडर चंद लोग काम करेंगे, कितने लोग काम करेंगे आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। लिमिट सरकारी नौकरी में आप 30-40 हज़ार की एक लिमिट बांध रहे हैं कि हम उतना ही प्राप्त करेंगे जी। बिजनेस करेंगे तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप बिजनेस में कितना कमा सकते हैं सर, कोई लिमिट ही नहीं है, आपकी आकांक्षा के ऊपर है। बड़े बड़े बिजनेसों की स्टोरी है, हमने जलान मेगा मार्ट भी समझिए। हाँ। इतना ग्रो किया है, अंबानी की स्टोरी है। हाँ। बहुत सारी ऐसी भारत में आपको दुनिया भर की स्टोरीज मिल जाएंगी जिन्होंने जीरो से लेकर और ऊपर सीढ़ी खूब ऊंचे तक चढ़ी है। बिल्कुल। और सर, अभी के समय वर्तमान में बात किया जाए, आपके अंदर कितने लोग हैं जो आपके थ्रू रोजगार प्राप्त किए हैं? ऐसे तो हजारों में संख्या है, अभी एट प्रेजेंट हमारे यहाँ 400-500 लोग काम करते हैं। 400-500 लोग आपके अंतर्गत जुड़े हुए हैं जो बिहार, यूपी, झारखंड जैसे अनेकों राज्यों से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ ये बताइए कि सर किन किन चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग होता है? यहाँ पे हमारा ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग साड़ी का होता है और कुर्तियों का होता है, ड्रेस मटेरियल्स का होता है। इसके अलावा जलान मेगा मार्ट में हम पूरी वैरायटीज आपको रखते हैं, जिसमें आपको मेंस वेयर है, लेडीज़ वेयर है, मेंस रेडीमेड है, हॉजरी सेक्शन है और हैंडलूम के सेक्शंस हैं, सारी चीज़ें मिलेंगी। सारी चीज़ों का यहाँ पर खुद मैन्युफैक्चरिंग होता है और यही कारण है लोग के मन में एक सवाल हमेशा चलता है कि सूरत में आखिरकार इतना सस्ता कपड़ा क्यों मिलता है। लेकिन बहुत सारे जगहों पर सस्ता कपड़ा तो मिलता है लेकिन क्वालिटी उतना बेहतर नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा, पूरा विजिट किया कि
क्वालिटी के साथ साथ काफ़ी कम रेट में अच्छा कपड़ा। जी बिल्कुल, सूरत आज से नहीं काफ़ी सालों से टेक्सटाइल हब के नाम से माना जाता है। पूरे भारत में जितना कपड़ा जाता है मैं मानता हूँ कि 80% लगभग सूरत ही सप्लाई करता है जी। और यहाँ पर जो सेटअप हो चुका है मशीनों का, एम्ब्रॉयडरी मशीनों का, वीविंग की मशीनों का, मिल प्रिंटिंग का, वो और किसी भी शहर में अभी इस लेवल पर नहीं है और ना ही मैं आने वाले समय में देख रहा हूँ कि होगा। तो सूरत एक मल्टी लेवल का हब है, यहाँ पे आपको सस्ते से सस्ता कपड़ा भी मिलेगा, महंगे से महंगा कपड़ा भी मिलेगा, हर तरीके का जिस रेट अनुसार लोग लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आप कैसा कपड़ा बनाना चाहते हैं आपके ऊपर है, वो उस तरीके से हर तरीके का बना सकते हैं। अच्छा सर ये बताइए कि जो जो यहाँ पर मशीन का इस्तेमाल, सब खुद अपना ही है सब कुछ है? जी बिल्कुल, हमारा आपने ये हाउस का पूरा वीडियो लिया ही है। हाँ। तो सारी चीज़ें हमारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा। एम्ब्रॉयडरी मशीन हमारी होती हैं, सोरोस की खुद की होती है, वो पहले भी काफ़ी वीडियो में हम अपने चैनल पे भी दिखा चुके हैं। आजकल रेपियर जैकार्ड काफ़ी चल रहा है, उसकी भी हमारी खुद की मशीनें हैं, तो काफ़ी हद तक हम साड़ी में काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। सर अभी के समय लगभग मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अनेकों राज्य से आके यहाँ पे खरीदारी करते हैं और वो बिजनेस, मतलब कितना पैसा अगर किसी व्यक्ति के पास वो चाहता है कि बिजनेस स्टार्ट करे उसके लिए कितना पैसा होना चाहिए? कपड़े बहुत सारे लोग को लगता है कि अगर लाखों रुपया नहीं है तो हम बिजनेस स्टार्ट नहीं करें। जी बिल्कुल, ये एक गलत धारणा है कि कपड़े का बिजनेस खासकर उसमें लाखों रुपये की एक साथ में जरूरत नहीं है। आप एक छोटे रूप में काम शुरू कर सकते हैं। हमारे यहाँ जलान मेगा मार्ट में तो मात्र मैं समझता हूँ कि 10,000 रुपये से भी हम अलाउट करते हैं खरीदी। हाँ। लेकिन आपके पास अगर 50,000 रुपये 1,00,000 रुपये का बजट है तो आप एक छोटा बिजनेस नए रूप से घर से शुरू कर सकते हैं। हाँ। आप तो यूट्यूब वाले हैं, अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे कि भारत में कौन से बिजनेस किए जाएं तो टॉप 5 में कपड़ों के बिजनेस का नाम आता है जी। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेवलपिंग है। आजकल आप देख लेंगे इतने सारे फैशन हो गए, इतने सारे त्यौहार हो गए हैं, बर्थडे पार्टीज हो गई हैं, किटी पार्टीज हो गई हैं, शादियाँ होती हैं, इतनी अलग अलग लोग हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ सेलिब्रेट करते हैं। और उसमें क्या होता है, या तो पार्टी में खाना खिलाते हैं लोग, या अपने कपड़ों पे ध्यान देते हैं, नए नए कपड़े लोग पहन के जाते हैं, या कपड़ा आने जाने में जो भी यूज़ होता है वो होता है। तो कपड़ों का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, फैशन की इंडस्ट्री है, रोज़ नई नई चीज़ें आ रही हैं, दुनिया भर की क्वालिटी हो गई है, बच्चों के कपड़े अलग होते हैं, बड़ों के अलग होते हैं, लेडीज़ वेयर अलग, जेंट्स वेयर अलग, हर एक को हर एक ओकेशन पे, हर एक शादी ब्याह के महोत्सव पे, छोटी से छोटी पार्टी में भी, बड़ी से बड़ी पार्टी में भी नए नए कपड़े की जरूरत है। हाँ। तो ये बिजनेस चलना ही चलना है भारत में, टॉप 5 में ये हमेशा ही रहने वाला है। और इसको करना बहुत आसान है, कम पैसों में आप कर सकते हैं। कितना पैसा लगाना चाहिए कम से कम? मैंने अभी आपके ही चैनल पे बताया कि 50,000-1,00,000 रुपये से आप छोटा बिजनेस घर से शुरुआत कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आपके पास बजट की सुविधा है तो कहीं मार्केट में अपनी जगह की व्यवस्था देखकर तो उसमें 10-15 लाख के बजट में आप बढ़िया शोरूम से भी काम शुरू कर सकते हैं। देखिए हर किसी चीज़ में जो है स्टार्ट काफ़ी छोटा सा ही होता है। सर बता रहे हैं कि 25 साल पहले जब सूरत आए थे तो उतना बड़ा इनका कंपनी नहीं था, लेकिन आज खुद के दम पे इन्होंने इतना बड़ा कंपनी को कर दिया है कि इनके अंतर्गत 500 लोगों को रोज़गार मिला है। और मुझे लगता है कि ऐसे अनेकों लोग अगर आगे आएंगे तो वो भी, उनके साथ भी लोग रोज़गार के माध्यम, जैसा कि देखा जाता है बिहार यूपी झारखंड साइड में काफ़ी बेरोज़गारी है, वहाँ पर लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, तो वैसे लोग चाहे तो छोटा मतलब कम अमाउंट से भी जो है स्टार्टअप कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई उसमें दो राय ही नहीं है। बिहार यूपी झारखंड के तो ठीक ही है, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप काम करना चाहें, आजकल इतना ज़्यादा ईजी हो गया कॉन्टैक्ट करना, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप कितना ईजी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप वहाँ घर बैठे बैठे हमारी पूरी रेंज आप वीडियो पर देख सकते हैं, पूरी रेंज हमारे लड़के आपको व्हाट्सएप पे डिटेल भेज सकते हैं। तो बहुत इजी काम हो गया, टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कीजिए और व्यापार को बढ़ाने में खूब मदद मिलती है। हाँ, मतलब टेक्नोलॉजी का जो है सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। सर वैराइटीज़ को लेकर बात किया जाए तो अलग अलग प्रकार की इसमें साड़ियाँ लहंगा सूट देखने को मिल रहा, तो क्या मतलब जो भी फेस्टिवल होता है जैसा डिमांड आता है लोगों का उस अनुसार डिज़ाइन तैयार किया जाता है? जी बिल्कुल, जैसा जैसा फेस्टिवल आता है भारत में, जैसा अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि फेस्टिवल के अनुसार ही कपड़े बनते हैं। जैसे अभी आगे दिवाली का त्यौहार आने वाला है, नवरात्रि का त्यौहार आने वाला है, तो दिवाली और नवरात्रि के हिसाब से तैयारियां चालू है। हाँ। करवा चौथ का त्यौहार आने वाला है तो लाल साड़ी की तैयारियां शुरू है। उसके बाद आप दिवाली के बाद लगन शुरू हो जाएंगे, तो लगन के हिसाब से वेडिंग के जो हैवी लुक की साड़ीज़ हैं, हैवी वर्क की साड़ीज़ है, झड़कन की हैवी साड़ीज़ हैं, उस टाइप की तैयारी चालू हो जाएगी। और दिवाली छठ पूजा जैसा अनेकों त्यौहार आ रहा, और ये एक ऐसा पर्व है जिसमें दुकान में पूरा प्रोडक्ट जो है बिक जाता है। सर ये बताइए कि यहाँ से मतलब कपड़ों का जो रेंज वो जो रेट में खरीद रहे हैं कितना मार्जिन लगा के वो बढ़ा के उसे बेच सकते हैं? आप ये मान के चलिए कि हर तरह का मार्जिन कपड़े में संभव है। कम से कम भी 30% मार्जिन तो कोई भी मिनिमम छोटे से छोटे आइटम में भी
मिलता है। उसके अलावा जो फैंसी रेंज है, जैसे मान लीजिए लहंगे हैं, चाहे फैंसी साड़ियां हैं झड़कन की या हैवी ब्राइडल रेंज की साड़ियां हैं, उसमें तो डबल भाव में भी साड़ियां बिकती हैं। तो रिटेल में जाकर आप उसको 500 की साड़ी 1000 में भी बिकती है, 1000 की साड़ी 2000 में भी बिकती है जी। तो नफ़ा का इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप एक मिनिमम नफ़ा रख के भी अच्छा काम कर सकते हैं और डिज़ाइन वाइज बढ़िया से बढ़िया साड़ी देख के अपने हिसाब से भी नफ़ा रख सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखिए अगर बाकी आप लोग को भी लगता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, हालांकि अच्छी बात है बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल जाती है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं सरकारी नौकरी के पीछे। यहाँ तक सर कई युवाओं का बाल झड़ जाता है, उनको 40 साल की उम्र तक नौकरी नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि अगर वैसे लोग चाहें एक बार अगर इसमें ट्राई करें, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है पेशेंस। अगर पेशेंस नहीं हो, क्योंकि पेशेंस नहीं होता है तो बहुत सारे लोग स्टार्ट तो करते हैं लेकिन महीना साल भर में बंद कर देते हैं जब उनको कोई मुनाफा नहीं होता। कितना समय से मुनाफा जो है स्टार्टिंग होने लगेगा? आप विशेषज्ञों की बात सुनेंगे तो कोई भी विशेषज्ञ की आप किताब पढ़ेंगे या रिसर्च करेंगे तो सबने कहा है कि कम से कम 2 से 3 साल लोगों को कोई भी व्यापार को सेट करने में लगता है जी। लेकिन कपड़े के व्यापार की एक खूबी है कि इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ कि अगर 6 महीना भी आपने इसमें ढंग से पेशेंस रखा तो उसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और आगे आपको नफा ही नफा इसमें दिखने वाला है। नुकसान लाखों रुपए आराम से कमा सकते जी, बिल्कुल लाखों रुपए कमा सकते हैं, नुकसान का इसमें कोई चांस नहीं है। पेशेंस करके धीरे धीरे रोज आप नफा में बढ़ोतरी कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका व्यापार बढ़ेगा, आपकी रेंज बढ़ेगी, आपके प्रोडक्ट बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपका नफे में इंक्रीजमेंट होगा। चलिए बाकी उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक उम्मीदें आई होगी कि अगर हम भी बिजनेस करते हैं, खासकर कपड़ों का ट्रेंडिंग बिजनेस होता है और कपड़ों का बिजनेस करना कहीं ना कहीं बाकी बिजनेस से काफ़ी आसान है, क्योंकि सालों भर कपड़ा बिकता है और इसमें वैरायटी वगैरह भी सब कुछ चेंज होते रहता है। तो सर अंत तक लोग अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं तो आपकी हर कुछ टीम है, मतलब सूरत आने के बाद कई लोग भटक जाते हैं कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। नहीं, हमारी टीम से आप संपर्क कीजिए, आपके चैनल के माध्यम से भी उनको डिटेल मिल जाएगी और हमारे खुद के यूट्यूब चैनल चलते हैं, आप उस पर भी सर्च कर सकते हैं तो उस पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप सूरत कभी भी आते हैं तो हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको एयरपोर्ट पे आ रहे हैं आप, चाहे रेलवे स्टेशन पे आ रहे हैं, चाहे बस स्टॉप पे आ रहे हैं, आप डिटेल दीजिए, वो आपको अच्छे से रिसीव करेंगे। और आपको जो भी जानकारी चाहिए, आप नया व्यापार करना चाहते हैं, ऑलरेडी कर रहे व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, आपको कपड़े के बारे में जो भी जानकारी, यहाँ तक कि अभी हमने फ्रेंचाइजी सिस्टम भी चालू की है, फ्रेंचाइजी भी लोग ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल, फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं, तो आप हमारी टीम से संपर्क कीजिए, आपको हर प्रकार की कपड़े के बारे में जानकारी दी जाएगी, सहायता दी जाएगी, यहाँ तक कि आपको कपड़े का नया व्यापार करना है, सीखना है, तो उसके लिए काउंसलिंग भी दी जाएगी। काउंसलिंग भी की जाएगी ना, मतलब वहाँ पे जाके काउंसलिंग, मार्केटिंग वगैरह सब कुछ पे ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल, आपको सिखाया जाएगा कि आप किस एरिया में हैं, वहाँ किस टाइप का कपड़ा बिकता है, किस प्रकार की रेंज ज्यादा पकड़ते हैं, आपको कितना स्टॉक रखना चाहिए, आपको कितने टाइम में रोटेशन करना चाहिए माल का, सब चीज आपको जानकारी दी जाएगी। बाकी उम्मीद करता हूँ कि सर के कहानी को देखकर आप भी मोटिवेट हुए होंगे कि कैसे आज से 25 साल पहले सर जब सूरत आए थे तो इनके पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन आज खुद के दम पे करोड़ों का कंपनी खड़ा किए, इनके अंतर्गत 500 लोगों को रोजगार मिला। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर भी एनर्जी आया होगा। बाकी सर हमारे साथ जुड़े, इन सारे चीज़ों को लेकर जानकारी दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर। बाकी अगर आप लोग भी चाहते हैं कि सर के साथ जुड़ के खुद का बिजनेस स्टार्ट करें या फिर फ्रेंचाइजी के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, बाकी पूरे वीडियो को देखकर क्या सोचते हैं अपनी राय हमें जरूर दें, हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।